हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल NCSQS एंड ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमने लिया है कि हम लोग इंडिकेटर जो बजर होता है उसे हम क्यों लगाते हैं, बजर को लगाने का आखिर मकसद क्या होता है, इसके पीछे वजह क्या है जो हम लोग बजर को लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि हमारे बजर लगाने का क्या फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स, इंडिकेटर बजर हम लोग इसलिए लगाते हैं कि हमें कई बार एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है इसी वजह से। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है हम लोग के साथ कि हम लोग इंडिकेटर दे देते हैं राइट, नहीं बजर होने के कारण क्या होता है कि हम लोग कई बार इंडिकेटर दे देते हैं लेफ्ट या राइट जो भी आते हैं, लेकिन कई बार होता है कि हम लोग इंडिकेटर दे देते हैं बजर नहीं रहने से। तो हमारे बजर नहीं होने से हमारा क्या नुकसान होता है? तो फ्रेंड्स, कई बार होता है कि हम लोग इंडिकेटर देते हैं राइट साइड का या लेफ्ट साइड का, आप जो भी देखें, लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग इंडिकेटर देते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं, बजर नहीं रहने की वजह से हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग कौन साइड का जा रहे हैं। लेकिन हम लोग कभी कभी क्या होता है, टर्निंग जब लेते हैं, टर्निंग समय आता है तो क्या होता है, कई बंदे होते हैं बाइक राइडर जो हम लोग ओवरटेक करके आगे बढ़ना चाहते हैं, या क्या होता है कि कई बार हम लोग राइट लेना चाहते हैं या लेफ्ट लेना चाहते हैं, तो हम लोग को पता नहीं होता है कि हम लोग इंडिकेटर कौन साइड का दिया। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, वो बंदा लगता समझता है कि हम बंदा समझता है कि आप लेफ्ट ले रहे हो इंडिकेटर की वजह से, तो वो आपसे ओवरटेक कर, तो आपको उसको क्या पता कि आप इंडिकेटर दिए हो लेफ्ट का और आप जा रहे हो राइट का। तो इसी वजह से होता है हम लोग कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, तो उससे हम लोग का तो नुकसान होता ही होता है और बाइक का भी नुकसान बहुत होता है। तो फ्रेंड्स, इंडिकेटर बजर लगाने से क्या होता है कि हम लोग जब इंडिकेटर देते हैं तो वो आवाज़ करता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सुन सकते हैं इस तरह से आवाज़ करता है। तो ये क्या होता है कि हम लोग इंडिकेटर जब देते हैं तो ये हमें बताता है कि आपने इंडिकेटर ऑन किया है। तो जब लोग हम लोग टर्निंग ले लेते हैं तो हमें इंडिकेटर को ऑफ कर देना चाहिए ताकि हम लोग को पता चले कि अगला क्या कि क्या कैसे जा रही है, कि आप इंडिकेटर बजर लगाने से क्या फ़ायदा होता है और इससे क्या बेनिफिट होता है हम लोग के। इससे बहुत सी चीज़ से बचा जाता है, एक तो एक्सीडेंट हो गया, दूसरा हमें एक क्षति होने से बचता है, बाइक बाइक का नुकसान होने से बचता है। तो फ्रेंड्स, आप भी बेहिचक लगाना चाहिए आप लोग के भी ये इंडिकेटर बजर, इससे एक्सीडेंट होने का संभावना बहुत कम होता है और बहुत नुकसान भी नहीं होता। फ्रेंड्स, इसका कॉस्ट भी उतना नहीं होता है कि जितना फिर लगाने में हम लोग को संभव, मात्र ज़्यादा नहीं 30, 40 या 50 कुछ ऐसे ही में लमसम में आता है और क्वालिटी का भी आता है, आप जितना बेटर लो उतना बढ़िया रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।